नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार के अवसर को, और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। दोस्तों, सफलता के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है और आपके पास अच्छे आइडिया और विजन है, तो आप किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है ओवायो के फाउंडर और मालिक 23 साल के रितेश अग्रवाल की। रितेश के माता पिता दरअसल चाहते थे कि वो IIT में दाखिला लें और इंजीनियर बने। रितेश भी माता पिता की ये इच्छा पूरी करने के लिए कोटा, राजस्थान में रहकर IIT एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारियों में जुटे थे। एक बार रितेश दिल्ली स्थित अपने फ्लैट का इंटरलॉक लगने से बाहर ही फंस गए। रात गुजारने के लिए होटल की तलाश में निकले। उन्होंने पाया कि रिसेप्शनिस्ट सो रहा है, कहीं बिस्तर खराब है तो कहीं बाथरूम की दुर्दशा है। जहां ठीक ठाक व्यवस्था मिली, वहां कार्ड से भुगतान की सुविधा नहीं थी। रितेश ने बताया कि उस दिन मुझे ख्याल आया कि आखिर भारत में अच्छे होटल और रूम्स किफायती दाम पर क्यों नहीं मिल सकते। यही से उन्हें एक नए बिजनेस का आइडिया मिला, और अपने आइडियाज और विजन को पूरा होता देखने के लिए रितेश इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने IIT की तैयारी छोड़कर अपने बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी। 19 साल के रितेश अग्रवाल महीनों घूमते और बजट होटल में रुकते ताकि वहां की तमाम चीजों के बारे में जान सकें। अपने अनुभव के बल पर रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद रितेश ने एक वेबसाइट तैयार किया जहां वो सस्ते और किफायती होटल्स के बारे में जानकारी देते थे। इस वेबसाइट का नाम रखा ओरावल। कुछ दिनों तक वेबसाइट चलाने के बाद रितेश को लगा कि लोग शायद नाम के चलते वेबसाइट को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने साल 2013 में उसका नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की CB इनसाइट्स ने ओयो रूम्स को उन कंपनियों में रखा जो भविष्य में सफलता का परचम लहरा सकती हैं। आपको बता दें, ओयो एक ऐप है जिसके जरिए होटल की बुकिंग की जा सकती है। पूरे भारत में इसके 500 होटलों में 50,000 से भी ज्यादा कमरे हैं। ओयो रूम्स जैसी सफल कंपनी को खड़ा करना इतना आसान नहीं था। कॉलेज छोड़ने के बाद अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए रितेश ने कड़ी मेहनत की थी। एक वक्त ऐसा भी था जब दिल्ली में मकान मालिक ने उन्हें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया था। उन्हें कई दिनों तक उसी घर की सीढ़ियों पर रात बितानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 360 करोड़ रुपए है। रितेश ने ये साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आगे और भी बेहतर वीडियो लाते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।